यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा Realme UI फोटोज ऐप के एक न्यू अपडेट के बारे में। अब यहाँ पर दोस्तों Realme की तरफ से फोटोज ऐप के रिगार्डिंग एक न्यू अपडेट आ चुका है, जहाँ पे वर्जन है 7.3.7। तो इसी अपडेट के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको अपडेट वगैरह करना है तो वीडियो को आप पूरा देखो। सबसे पहले बात करते हैं मेन होम इंटरफेस की, तो भैया एकदम सेम टू सेम है अपने पुराने वर्जन जैसा। आपको भी भैया यहाँ पे कुछ 7.3.0 या फिर 7.3.1, मतलब एकदम सेम टू सेम ना आपको यहाँ पे फोटोज ऐप का वर्जन 7.3.7 भी देखने को मिल जाता है। अब जहां तक बात है न्यू फीचर्स की या फिर मतलब न्यू क्या ऐड हुआ है, तो भाई देखो इस फोटोज ऐप के अंदर ना कुछ भी न्यू ऐड नहीं हुआ है। सिर्फ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है बग फिक्सेस, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट और जो ओवरऑल स्टेबिलिटी है फोटोज ऐप का उसको यहाँ पे सही कर दिया गया है। अब जहां तक बात है सेटिंग्स की, तो भैया एकदम सेम टू सेम है जैसे कि मैं आपको बताया। और जहां तक बात है एडिटिंग फीचर्स या फिर बाकी अलग कुछ चीजों की, तो वो भी भैया एकदम सेम टू सेम है। आपको यहाँ पे स्टिकर्स का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसके रिगार्डिंग मैंने पहले भी बताया था आपको। तो भैया एकदम सेम टू सेम है, फोटोज ऐप का एक न्यू वर्जन आ चुका है 7.3.7। तो सोचा कि आपके साथ जो फाइल है, जो एपीके फाइल है, वो शेयर कर दूं, तो इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाया है। वैसे सब कुछ एकदम सेम टू सेम है, ऊपर आपको गूगल लेंस का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, राइट कॉर्नर में आप देख पा रहे हो, तो बिल्कुल सेम टू सेम है। वैसे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, अलग अलग तीन टाइप का लिंक, मतलब अलग अलग तीन टाइप्स का लिंक होगा। सबसे पहले तो टेलीग्राम चैनल का लिंक, इसके अलावा आपको मेगा क्लाउड और गूगल ड्राइव का लिंक मिल जाएगा। तो डाउनलोड करो, उसके बाद में फाइल मैनेजर में जाओ, फिर फोन स्टोरेज में जाके डाउनलोड्स वाले फोल्डर में जाके आप इसको डाउनलोड कर लो। और अगर डाउनलोड करने के बाद में, इंस्टॉल करने के बाद में कोई दिक्कत वगैरह आ रहा है, तो फोटोज ऐप के ऐप इन्फो में आके आप ऊपर राइट कॉर्नर में आपको टू डॉट देखने को मिलेगा, यहाँ से आप इसको अनइंस्टॉल भी कर सकते हो। तो बस यार इतना ही था इस वीडियो में, बस एक न्यू एपीके फाइल अवेलेबल हुआ है तो इसके रिगार्डिंग मैंने आपको बता दिया है। तो इतना ही दोस्तों इस वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऐसे ही बने हमेशा स्मार्ट रहिए। मैं घर से गुड बाय।